स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने राज्यसभा पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग संसद पढ़े होंगे हमारे वीडियो से। मैं संसद की सबसे पहले बात करता हूँ। मैंने संसद बताया था आपको, संसद के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? संसद के तीन पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का वीडियो जो है पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। राज्यसभा की चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। संसद अनुच्छेद 79 में, लोकसभा संसद अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है। क्वेश्चन आते हैं कि राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 80 में लोक राज्यसभा की चर्चा की गई। आज हम राज्यसभा का पूरा ओवरऑल पूरा रिव्यू लेने वाले हैं। राज्यसभा होता क्या है और राज्यसभा से एक एक ऑब्जेक्टिव आप बना ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन राज्यसभा से अगर आएगा तो उम्मीद है कि आप पूरा बना ले जाएंगे यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ संसद राज्यसभा की संरचना के बारे में। राज्यसभा को सबसे पहले मैं बात करता हूँ राज्यसभा को कहा क्या क्या जाता है। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को विशेषज्ञों का सदन बोला जाता है। विशेषज्ञों का सदन बोला जाता है और राज्यसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं राज्यसभा को से क्या कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, राज्यसभा को विशेषज्ञों का सदन बोला जाता है, राज्यसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है। अब यह क्यों बोला जाता है, क्यों नहीं बोला जाता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में, जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा में सदस्य संख्या, सदस्य संख्या सबसे पहली बात है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम जो निश्चित की गई है वो कितनी हो सकती है? 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य जो है राज्य और संघ शासित प्रदेशों से जाएंगे और 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। किसके माध्यम से मनोनीत किए जाएंगे? राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति यह है कि 233 सदस्य राज्य से और संघ से जा पाते हैं, केवल 233 सदस्य। क्यों 233 जा पाते हैं? क्योंकि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में जनसंख्या कम है, इसलिए वहां पर जो है अधिक जो संख्या निश्चित की गई है वहां से उतने सदस्य नहीं जा पाते हैं, वहां उतने मत नहीं हो पाते हैं, उतने वोट नहीं पड़ पाते हैं। जनसंख्या कम होने की वजह से वहां से जो है व्यक्ति नहीं जा पाते हैं, वहां से उम्मीदवार नहीं चुने जा पाते हैं। यहां से 233 सदस्य और यहां से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो वर्तमान की पता चल जाएगी। वर्तमान में 245 सदस्य जो है राज्यसभा में पहुंचते हैं। कितने सदस्य पहुंचते हैं? 245। सबसे पहले कितने सदस्य अधिकतम माना गया है? 250। 238 राज्य और संघ के केंद्र शासित प्रदेशों से, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय से। लेकिन वर्तमान की बात क्या है? वर्तमान में 233 सदस्य ही राज्य और संघ प्रदेशों से पहुंच पाते हैं, बल्कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। वर्तमान में 245 सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यसभा में होती है, अधिकतम 250 तय की गई है, वर्तमान में 245 ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सदस्यों की संख्या हो गई है, आप लोग एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं निर्वाचन किस तरीके से होता है, सदस्यों का निर्वाचन, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। निर्वाचन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? निर्वाचन की। इनके निर्वाचन की दो प्रकार होता है। सबसे पहला प्रकार क्या होता है? ये सबसे पहले जाएंगे संघ और केंद्र शासित प्रदेशों से, संघ से और राज्य से, संघ और राज्य से जाएंगे।
ठीक है, संघ और राज्य से जाएंगे, दूसरा जाएंगे मनोनय के माध्यम से, यही दो से जाते हैं। ठीक है, मनोनय किसके माध्यम से होता है? राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से होता है। ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये 12 सदस्य होते हैं, खेल के क्षेत्र में जो अपना वर्चस्व बढ़ाए रहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में जो अपना वर्चस्व देते हैं, उनको जो है राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आमंत्रण देते हैं। ये 12 सदस्य उसी में से जाते हैं, साहित्य से, खेल से। ठीक है, जो साहित्य और खेल में बहुत अच्छे अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छा वर्चस्व होता है, वहां से इनका चयन होता है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से। संघ और राज्य से किस तरीके से होता है? संघ और राज्य से कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। किसका? सदस्यों का जो चुनाव होता है राज्यसभा सदस्यों का, वो किस कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें जनता जो है सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसका होगा क्या? विधानसभा के विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, इसमें जो है जनता सीधे वोट नहीं देती है, इसमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वोट देते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये जो निर्वाचन की बात है वो आपको समझ में आया होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव है, और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होगा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। एक माध्यम है मनोनयन द्वारा, मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, 12 सदस्यों को करते हैं, और वो 12 सदस्य किस क्षेत्र के होते हैं? खेल के क्षेत्र के होते हैं, साहित्य के क्षेत्र के होते हैं, शांति जो बनाए रखने वाले होते हैं वो होते हैं, ठीक है, समाज सेवी होते हैं, ऐसे लोगों को जो है राष्ट्रीय संसद में, राज्यसभा में मौका दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला बात करते हैं सदस्यों की क्या योग्यता होती है, आप राज्यसभा का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, उनकी क्या योग्यता होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा किस तरीके से होता है। सदस्यों की क्या योग्यता होती है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहली बात है भारत का नागरिक हो। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं, भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी बात है 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब देखिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा में क्या था? लोकसभा में 25 वर्ष था, लोकसभा में 25 वर्ष था, और राज्यसभा में 30 वर्ष है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष की मिनिमम आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद क्या होता है? किसी गवर्नमेंट जॉब में ना, किसी गवर्नमेंट में नौकरी न कर रहा हो। व्यक्ति जो गवर्नमेंट नौकरी करता है उसे लाभ का पद माना जाता है। हाँ, यदि कोई मंत्री है, विधायक है, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है, क्योंकि वह समाज सेवा कर रहा है, न कि नौकरी कर रहा है, न कि लाभ के पद पर वह समाज सेवा कर रहा है। ठीक है, चौथा क्या होता है? मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात वह पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। यही चार जो है योग्यताएँ होती है। यदि आप इन चार योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो राज्यसभा के सदस्य पद के लिए आप योग्य हैं, राज्यसभा के सदस्य पद का आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता हो गया। अब बात करते हैं राज्यसभा में सभापति के बारे में। जैसे लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, अब सभापति की बात करते हैं उसी तरीके से, राज्यसभा के सभापति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात इनकी क्या होगी? जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं।
उपराष्ट्रपति महोदय ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, अर्थात सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के एवज में कोई भी वेतन और भत्ता नहीं मिलता है। उन्हें जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वह किसके दिया जाता है, वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह पदेन उपराष्ट्रपति होता है। जैसे इस समय जो है एम वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब बात आती है उपसभापति, उपसभापति उपसभापति की जो नियुक्ति होती है उन्हीं सदस्यों में से एक होता है। जो 245 सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य उपसभापति होते हैं, लेकिन जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा सदन है जिसमें उसके अध्यक्ष जो है बाहर से आते हैं, वह है राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय वहाँ का सभापति का कार्य करते हैं। लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं जो सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा में भी इसी प्रकार से होता है, विधान परिषद में भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन राज्यसभा में किस तरीके से होता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति आके बन जाते हैं। ठीक है, यह संवैधानिक पद है। अब देखिए अब आगे बात करते हैं राज्यसभा के बारे में कुछ अतिरिक्त बातें हैं। हाँ, राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अब देखिए जो राज्यसभा होती है, अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात आती है तो 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा की अगर बात आए तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होती है। क्यों नहीं भंग होती है, भंग नहीं होती है। अब बात आती है क्यों नहीं भंग होती है, क्योंकि क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात रिटायर हो जाते हैं, अर्थात रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनका पद रिक्त हो जाता है, चुनाव होता है, उनके ऊपर नए सदस्य आ जाते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा का क्रम चलता रहता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक बार गठित हुई तो आज तक गठित ही है। ठीक है, अब कार्यकाल हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा विशेष, राज्यसभा विशेष के बारे में, राज्यसभा विशेष के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249। कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें जो है राज्यसभा लोकसभा से बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है, वो परिस्थितियां क्या है, उस परिस्थितियों के बारे में मैं बात करता हूँ। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249। आप लोग अनुसूची आगे पढ़ेंगे, मैं आगे अनुसूची पढ़ाऊंगा। सातवीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में यह बात की गई है, सूची की बात की गई है। एक है राज्य सूची, एक है केंद्र सूची, एक है समवर्ती सूची। राज्य सूची का जो विषय होता है उस पर राज्य की विधानसभा कानून बनाएगी, केंद्र सूची का जो विषय होगा उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची का जो विषय होगा उस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी। लेकिन राज्य सूची का कोई विषय, राज्य सूची का
कोई विषय राज्य सूची का कोई विषय, मैं लिख दे रहा हूं राज्य सूची का कोई विषय यदि यदि राज्यसभा उसे दो तिहाई बहुमत से या पास कर दे, दो तिहाई बहुमत से पारित कर दे, पारित कर दे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उसे कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाएगा, केंद्र सरकार को प्राप्त होगा, ठीक है। हालांकि ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन फिर भी राज्य सूची का कोई विषय यदि राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उसे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाएगा। राज्यसभा अकेले उसे कानून नहीं बना पाएगी, लोकसभा उसे पारित करेगी बाद में, लेकिन पहले यदि राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगी कि यह राज्य सूची का जो विषय है यह राष्ट्रीय महत्व का है तो ही वह विषय लोकसभा में जाएगा। पहले कहाँ आएगा? राज्यसभा में आएगा। अनुच्छेद 249 इसीलिए महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 249 BDI है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। अब आगे बात करते हैं, अनुच्छेद एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 312 की बात करते हैं। अनुच्छेद 312 में बताया गया जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, अब देखिए अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या क्या है। एक होता है IAS, एक होता है IPS, एक होता है IFS। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IAS को होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS को होगा इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS का फुल फॉर्म होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय संवैधानिक सेवा, भारतीय, ठीक है, जो भी होगा IAS का, IAS होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, जिससे जो है DMO की नियुक्ति होती है वो IAS ही होते हैं, ठीक, जो सामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें किस पद को जोड़ा जाएगा? अखिल भारतीय सेवाओं में IAS, IPS और IFS में किसी अन्य पोस्ट को उठा करके जोड़ा जाता है अगर इसमें, तो वह सबसे पहले कहाँ पेश होगा? सबसे पहले राज्यसभा में पेश होगा कि इस पद को, फला पद को उठा करके भारतीय अखिल सेवा में जोड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले कहाँ पेश होगा? वो कहाँ पेश होगा? राज्यसभा में। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि अखिल भारतीय सेवाओं में कोई पद जोड़ने के लिए सबसे पहले वह कहाँ बहुमत से पारित कराना होगा उस नियम को? राज्यसभा में। उसके बाद लोकसभा में जाएगा, तत्पश्चात राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद वह पद जो है अखिल भारतीय सेवाओं में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, एक मामले में, इन सभी मामलों में राज्यसभा विशेष होता है। एक मामला और है, एक मामला है धन विधेयक का, धन विधेयक का मामला है। सबसे पहली बात है धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, सबसे पहली बात है धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो धन विधेयक हमेशा हमेशा सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश होने वाला धन विधेयक लोकसभा में यदि बहुमत से पारित हो जाता है तो वह कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा 14 दिन के भीतर, राज्यसभा उसे 14 दिन के भीतर यदि उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है, यदि कुछ बताना चाहती है लोकसभा को, तो वह बता सकती है। लेकिन यदि वह उस पर कोई विचार नहीं करती है तो वह धन विधेयक अपने आप कानून का रूप धारण कर लेता है या आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसित हो जाता है, या आगे के लिए मतलब राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के लिए चला जाता है। यहाँ पर राज्यसभा का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। राज्यसभा 14 दिन का समय मिलता है राज्यसभा को, उसमें कुछ सुधार करना हो या कोई भी बात हो उसमें,
वह कर सकती है 14 दिन के अंदर। यदि कुछ भी नहीं करती है तो वह यानी आप अग्र कार्रवाई के लिए आगे चला जाएगा। वह कानून अर्थात राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, जो राज्यसभा की मैंने चर्चा किया, राज्यसभा के बारे में जो चर्चाएं हुई, लगभग लगभग चर्चाएं समाप्त हो चुकी है, वो एक बात छूटी हुई है उस पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। राज्यसभा में जो सीटों की संख्या तय की गई है, राज्यसभा में जो सीटों की संख्या तय की गई है वो किस तरीके से तय की गई है, क्वेश्चन पूछा गया है किसी एक एग्जाम में, राज्यसभा में सीटों की संख्या किस आधार पर तय किया गया है, तो राज्य और संघ के जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। और यह जनसंख्या किस जनगणना के आधार पर तय किया गया है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर यह जनसंख्या या सीट तय की गई है। 1971 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पहले से ही अधिक थी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इसलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। और सिक्किम जैसे छोटे प्रदेशों में जहां जनसंख्या बहुत कम है वहां पर राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, सीटों की संख्या जो निर्धारित होती है हमारे यहाँ वह किसके आधार पर निर्धारित होती है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। वह किस जनगणना की जनसंख्या है, 1971 की जनगणना की जनसंख्या है। यदि 2011 की जनगणना के आधार पर उसका चयन करेंगे तो काफी डिफरेंस आएगा, लेकिन 1971 की ही जनगणना पर सीटों की संख्या निश्चित की गई है, इसलिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। और सिक्किम जैसे प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत कम है। अगर क्षेत्रफल की बात होती तो शायद राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, राज्यसभा में सीटों की संख्या वहां राजस्थान की ज्यादा होती, लेकिन जनगणना और जनसंख्या को मायने रख करके सीटों की संख्या निश्चित की जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या राज्यसभा में सांसद पहुंचने की संख्या उत्तर प्रदेश की ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की कितनी है, 31 है। ठीक है, मेरा मेन मोटो था सीटों की संख्या समझाने का, सीटों की संख्या किसके माध्यम से तय होता है, जनगणना के माध्यम से, जनसंख्या के माध्यम से तय होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, लगभग लगभग सभी बातें हो चुकी है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, आशा करता हूं कि राज्यसभा के बारे में मैंने जितनी बातें बताई है वह आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक बनता है, हमारे चैनल पे अगर नए नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों को पता चले कि संविधान को कुछ अलग तरीके से किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, कि संविधान हमारे दिमाग में छप जाए। राज्यसभा लोकसभा किस तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।